जीत अरोरा, वेलकम टू द टेक क्वीन चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डंप और लोड फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं आपको पिकलिंग अनपिकलिंग टर्म, जो मैं पिछले ही वीडियो में समझा चुकी हूँ, और उसके अंदर हम लोग पिकलिंग को अचीव करने के लिए डंप फंक्शन का यूज़ करते हैं, और अनपिकलिंग को अचीव करने के लिए हम लोग लोड फंक्शन का यूज़ है जो करते हैं। ये कुछ बेसिकली वैसे ही यूज़ होता है जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल के अंदर जब डेटा राइट करते हैं, तो यहाँ पर बाइनरी फाइल के अंदर हम लोग पिकल मॉड्यूल के थ्रू ये सारे काम कराते हैं, और जब हम राइट करते हैं तो उस टर्म को हमने पिकल यानी कि डंप फंक्शन के थ्रू करा दिया। और जब हमने रीड करना होता था हमारा डेटा, समझने के लिए बता रही हूँ आपको, कहाँ से, टेक्स्ट फाइल से, तो उसी टर्म को हम लोग यहाँ पर बाइनरी फाइल के अंदर अनपिकल बोल रहे हैं, और लोड फंक्शन के थ्रू इसको अचीव करेंगे। यानी कि जो हमारा पाइथन का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी चीज़ लिखी हुई है, हमने कोई भी स्ट्रिंग है या फिर लिस्ट है, उसको हम बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करा रहे हैं पिकलिंग, राइट? और बाइट स्ट्रीम टू वापस उसको पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा रहे हैं, दैट इज़ अनपिकलिंग, डंप और लोड फंक्शन। चलिए अब हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं दोनों ही फंक्शंस का, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इनको करके बता दूंगी। अब पहला स्टेप क्या होता है बच्चा, आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। पिकल के अंदर हमारे पास में फंक्शन आता है डंप फंक्शन, बिल्कुल बढ़िया मैम। अब ये वो स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी आप लगा लो, स्ट्रिंग ले लो, राइट, लिस्ट ले लो। अब ये जो है हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर, कौन से, ये वाला हमारी फाइल का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर डंप करना है यानी कि राइट करना है। वहीं पर अगर हम दोबारा की अनपिकल की बात करें लोड कराने की, तो कौन सी वो ऑब्जेक्ट है जो हमारी फाइल का है, बस उसको हम लोड फंक्शन के अंदर करेंगे और वो हमारा बाइट स्ट्रीम टू हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर दोबारा से जो है लोड हो जाएगा, और उसको अनपिकल टर्म है जो बोल दिया जाएगा। तो चलिए अब ये जो चीज़ें मैंने आपको वर्बली पिछली वीडियो से बताती आ रही हूँ, तो उनको चलिए प्रैक्टिकली कर लेते हैं, और इसके बाद में मैं आपको पीपीटी के थ्रू उनको दोबारा से एक बार जो है इनका ओवरजाम ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम पहले इंपोर्ट करेंगे, द स्टेप नंबर वन विल बी इंपोर्ट पिकल, ये भूलना नहीं है क्योंकि इसी के अंदर के फंक्शन है डंप और लोड, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, डेटा हमें क्या कराना, राइट कराना है। तो कौन सा डेटा, सबसे पहले वी नीड अ फाइल, तो फाइल के लिए हम कोई भी नाम दे देते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन फाइल, ये वैसे ही होगा ठीक जैसे कभी टेक्स्ट फाइल के अंदर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो हो जाएगी डैट फाइल, इसका जो एक्सटेंशन होगा दैट वुड बी डैट फाइल। तो आप कोई भी नाम दे दीजिए, आई हैव गिवन ए बी सी, एंड व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू राइट द डेटा, ठीक है। तो हम इसको डब्ल्यू बी मोड के अंदर ओपन करेंगे, राइट, बी फॉर बाइनरी, राइट। तो अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ले रही हूँ कोई भी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया लवजीत। अब मैं क्या करती हूँ, पिकल मॉड्यूल जो हमारा ऊपर है उसका यूज़ करते हुए इसके अंदर का एक फंक्शन है डंप, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या, यानी कि मेरी फाइल का ऑब्जेक्ट इज़ एफ, सॉरी पाइथन का ऑब्जेक्ट इज़ एफ, और फाइल का ऑब्जेक्ट इज़ फाइल ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये वाला जो है स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमारा डंप हो जाए, लोड नहीं, सॉरी डंप हो जाए, ठीक है। तो अब बस हो गया हमारा डेटा इसके अंदर, राइट। और अगर हम देखना चाहते हैं, सो हाउ वी कैन सी, रन करेंगे और कोई एरर नहीं आई है, ए बी सी डॉट डैट फाइल है ना, खोल लेते हैं उस फाइल को, कहाँ पर है ए बी सी, ये रही हमारी फाइल। और ये देखिए इसमें सिर्फ स्ट्रिंग स्ट्रिंग है जो हमारी दिखती है, बाकी सारा डेटा जो भी आता है वो हमारा इस तरीके की फॉर्म में आता है। तो अभी तो हमारी बाइनरी फाइल इतनी सिक्योर है ना। तो अब ये हमारी हो गई, क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रिंग की बजाय कोई भी, आप कह लो कि मुझे कंट्रोल सी किया एंड कंट्रोल वी किया, मुझे यहाँ पर लेना है कोई भी लिस्ट, ठीक है, तो मैं लिस्ट ले लेती हूँ। तो अगर मैं इसके अंदर 1 2 3 4 हमने डाला लिस्ट, रन कर दिया, वापस से गए, तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा लिस्ट भी डंप हो चुका है। अब लिस्ट की बजाय इफ़ आई वांट कि एक ट्यूपल होना चाहिए, तो आप एक ट्यूपल को यहाँ पर कर दीजिए और उसको रन कर दीजिए, वापस से जाएंगे तो वी कैन सी हेयर आवर ट्यूपल इज़ ऑल्सो डंप हेयर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी लेना चाहती हूँ, मैं डिक्शनरी के अंदर लेती हूँ ए वन, ठीक है।
और ये मेरी फाइल का ऑब्जेक्ट है। अभी मैं प्रोग्राम इसको रन कर देती हूँ, वापस जाके देखती हूँ मेरी डैट फाइल कहाँ है, ये रही। तो इसके अंदर देखिए ये डिक्शनरी भी हमारी हो चुकी है डम। तो यानी कि किसी भी तरीके का आपका डेटा हो, मैंने अगर इंटीजर कराना है, ठीक है, तो मैं इंटीजर ले लेती हूँ, तो मैंने इंटीजर ले लिया, तो वी कैन सी हेयर वापस से गए तो इंटीजर इज ऑल्सो जो मेरा डंप हो गया। फ्लोट ले लेते हैं, ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ 99.9, तो रन करेंगे। अब हमारा सारा डेटा मतलब एक एक करके इसके अंदर जाए जा रहा है। अब ये तो हो गया हमारा डेटा कैसे हम पिकल कर रहे हैं, पाइथन का ऑब्जेक्ट है उसको हमने बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब वहाँ से दोबारा हमें लेना है डेटा, जो हमने डंप किया है वो डेटा हमें वापस से लेना है। तो उसके लिए ऑफकोर्स हम लोग यूज़ करेंगे पिकल मॉड्यूल के अंदर का एक लोड फंक्शन। हमें क्या करना होगा, हमारा जो है वापस से लाने के लिए, तो पिकल, ठीक है, पिकल डॉट लोड। बट उससे पहले एक चीज़ भूल गए हम, क्या करना है, फाइल का ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करा देंगे, बट प्रिंट कराने से पहले यू नीड टू क्लोज दिस फाइल। तो हम इस फाइल को एक बार क्लोज कर देते हैं, ये हमारी फाइल है जो क्लोज हो गई, डॉट क्लोज, ठीक है। ओहो एक सेकेंड, अब इस फाइल को दोबारा ओपन करना है रीड मोड के लिए, क्योंकि हम लोड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं ना, इस वजह से, ठीक है। तो हम आर बी लिख देंगे, बाइनरी फाइल के अंदर रीड मोड जब ओपन करेंगे तो आर बी होगा, राइट मोड होगा तो डब्ल्यू बी, बी हम साथ में लिखेंगे, बी इज़ फॉर बाइनरी, ठीक है। तो अब हमने इसको रन कर दिया, तो जिस तरीके से हमने अपना डेटा लोड कराया था, सॉरी डंप कराया था, उसी तरीके से हम लोड करेंगे, वापस से लेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास में कौन सा हुआ था, लवजीत, तो लवजीत आ गया। अब हम दोबारा ही इसी चीज़ को दोहराएंगे, मैं दोबारा इस चीज़ को दोहराऊंगी, तो अब हमारा अगला डेटा क्या था हमारा, इट वॉज अ लिस्ट। सो लिस्ट हमारा वापस से आ जाएगा। अगर अब मैं फिर से दोबारा लिखती हूँ इसको, कंट्रोल वी कर दिया वही चीज़, तो अब हमारा ट्यूपल, ठीक है, फिर से वापस से अगर हम करेंगे तो इसके बजाय हम लूप का यूज़ कर सकते थे, है ना। हाँ, तो हमारी डिक्शनरी हो गई, फिर अगर हम कर रहे हैं तो हमारा आई थिंक इंटीजर आएगा, फिर हमारा वो आएगा फ्लोट आएगा। तो ऐसे हमने सारा डेटा हमारा वापस से करा लिया। तो इतनी बार हमें लिखना पड़ा, तो बजाय इसके व्हाट वी कैन डू, हम लोग सिंपली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर क्या, बजाय इसके कि हम क्या कर लेते हैं, हम एक लूप के थ्रू वो सारा डेटा है जो हमारा ले लेते हैं। बट इसमें ना क्या होता है कि हमारी जब फाइल बंद होती है ना, तो उस टाइम पर एक रन टाइम एरर थ्रो करता है एट द एंड ऑफ द फाइल। सो उससे बचने के लिए हमें ट्राई का यूज़ करना पड़ेगा। बट मैं आपको एक बार रन करा के दिखा देती हूँ। जैसे मैं एक इन्फिनिटी लूप है जो यूज़ करूँगी, ठीक है, वाइल ट्रू, और फिर वही चीज़ जो हमने लिखी थी, ये लोड करा लिया हमने डेटा। अब जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो देखिए हमारे पास में इसने रन आउट ऑफ इनपुट यानी कि एंड ऑफ द फाइल एक एरर हमें दे दी। मतलब सारा डेटा तो लोड करा दिया बट फाइल को बंद नहीं कर पाया। तो मैं क्या करूँगी, मुझे एरर आ रही है इस हिस्से में, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी ट्राई, और इसको ट्राई के ब्लॉक के अंदर, ट्राई बेसिकली हमारा रन टाइम एरर को संभालने के लिए यूज़ में आता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या हो रहा है, फाइल का नाम था ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल एरर, ई डबल आर ओ आर, तो एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। तो अब हमारी फाइल का ऑब्जेक्ट इज़ ये वाला डॉट सी एल ओ एस ई, क्लोज कर दिया। अब हम इसको रन कर लेते हैं, तो अब देखिए हमारी रन टाइम एरर संभाल ली इसने, तो अब इसने हमें कोई एरर नहीं दी और वही चीज़ हमारी जो है इसने प्रिंट करा दी, ठीक है। तो जिस फॉर्म में हमारा डेटा गया उसी फॉर्म में हमारा डेटा वापस से अनपिकल भी होगा। तो अनपिकल के टाइम पर जब हम लोड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो सारी चीज़ें ट्राई के ब्लॉक में लिखनी होती हैं, ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर, ताकि जब हमारी फाइल क्लोज हो और उसमें कोई रन टाइम एरर जनरेट हो, क्लोजिंग के टाइम पर एंड ऑफ द फाइल एरर जनरेट हो, रन टाइम एरर होती है, तो उसको बचाने के लिए, बचाने का मतलब है कि रन टाइम एरर तो जनरेट होगी बट हमारा प्रोग्राम क्रैश ना कर जाए, ठीक है, हमारी फाइल क्लोज हो जाए। कि जैसे अगर एरर आती है तो अब क्या होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जाएगी और एक्सेप्ट ब्लॉक के जस्ट बाद में हमने फाइल को क्लोज कर दिया, तो वो हमारी फाइल को क्लोज कर देगा, इससे हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, हमें एक अप्रोप्रिएट आउटपुट है जो जा करके दिखाई है जो देगा।
ठीक है। तो ये हमारा जो था यहाँ पर हमने लोड और डंप फंक्शन का यूज़ किया, इसको भी हम लोग कर सकते हैं लूप के थ्रू, ये तो मैंने एक सैम्पल आपको बताया है। तो अगले प्रोग्राम के अंदर मैं आपको लूप के थ्रू राइट करना और रीड करना बताऊंगी। नंबर वन से समझा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंपोर्ट द पिकल मॉड्यूल। तो हमारा पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, स्टेप नंबर टू। अब हमें क्या करना है, डेटा डंप करना है। तो आपके पास में इट कैन बी अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो सकता है। क्या करना है और किस में करना है, रिमेंबर, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर आएगी, कौन सी और किस में, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर टू, अगर हमें डेटा लोड करना है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक स्ट्रिंग ही लिया है, बट यहाँ पर आपको पता है कुछ भी हो सकता है। तो अब अनपिकल करने के लिए हमने क्या किया, स्टेप नंबर वन इंपोर्ट करा होगा पिकल मॉड्यूल को, आरबी मोड में फाइल ओपन की है और लोड करा लिया सारा डेटा। तो अब इसमें वही ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं जिससे हमारा डेटा लोड करना हो, वापस लेना हो। तो इसमें जिस तरीके से डंप हुआ है उसी तरीके से लोड होगा। तो अब इसमें पहली स्ट्रिंग आ जाएगी आपकी। तो फाइल को क्लोज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और फाइल को क्लोज ज़रूर करना है। तो यहाँ तक था हमारा डंप और लोड फंक्शन। आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।